तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं लेवल वन मतलब कि बेसिक एक्सेल की टेस्ट की। तो मेरे साथ सैयद जी हैं और निकिता जी हैं। सैयद जी निकिता जी एक चीज जान लीजिए, आप जब किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। सो एक्शन का मतलब कि क्वेश्चन को समझना सीखिए, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि ये वर्ड लिखा हुआ है, मीन सेम वर्ड इसके अंदर यहाँ पे टाइप करने हैं। सर एक चीज पूछना था सर, ये तो इमेज है ना। हाँ, ये इमेज है लेकिन मुझे एक्टर में इसको इसकी नकल कर दीजिए ना, सिंपल सी करने के मतलब ये है। ओ अच्छा, सर मैं आपने ये समझा लिखा कि कैसे इमेज में? ये तो बता चुका हूँ ना, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का यूज मैंने किया था। नहीं, ये इमेज। अच्छा, उसके अंदर टेक्स्ट को टेक्स्ट बॉक्स लेकर फिर ऐसे किया आपने उसको? हमने कैसे लिखा छोड़िए, आपको लिखना है ऐसे, ठीक है ना। हाँ सर, ये तो आसान था, ये तो मैं सर इसको हो पहचान गया था। लूंगा। दूसरा ये ये है कर दिया आपका कि सर, ये जो ले बॉक्स है आपका, ये भी कर दिया था, डेट है, इस डेट पे इस तरह का डेट का फॉर्मेट चाहिए। ये भी हो गया था सर। ये तो हो, हाँ ये हो गया। तीसरा ये हाँ है कि हमने आपको समझाया था, एक एग्जाम्पल दिया था, वो दिया था कौन सा डेट। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेट ऑफ लिंक ना। हाँ, तो हाँ इसमें क्या था कि इन द लास्ट 7 डेज, बट मुझे हाँ इसी का अपोजिट द नेक्स्ट 7 डेज चाहिए। इसमें इक्वल टू करके करना था सर इसमें ना। नेक्स्ट 7 डेज करना था, मतलब कि जैसे आज की जो सिस्टम डेट है, दो आज 2 जनवरी है, 2020 है, तो 2 जनवरी हाँ 20 से उसके अगले 7 दिन तक उसका हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। और बट वो 31 जनवरी से कम होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे बिलो ऑफ द करेंट लास्ट मंथ, जैसे मान लीजिए कि आज की डेट अगर मान लीजिए अगर 28 होती तो हाँ, तो फिर वो 31 7 तक ही तक जाता। हाईलाइट होता, उससे आगे मैं नेक्स्ट में नहीं जाता। ओके, चौथा क्वेश्चन था कि सर इसकी, लास्ट 7 डेज करना था ना। नहीं जी, नेक्स्ट 7 डेज लिखा हुआ है यहाँ पे ना। हाँ नेक्स्ट 7 डेज करना था ना, नेक्स्ट उससे तो डेट इज कुछ। द करेंट करेंट डेट से हमने आपको बताया, हाँ समझाया था, बताया कि हमारे पास इन द लास्ट 7 डेज के लिए तो ऑलरेडी है हमारे पास। और ये लास्ट 7 डेज के लिए तो, नेक्स्ट 7 डेज के लिए नहीं है ना, वो हमें वो उस पे जाके करना पड़ेगा ना, हाँ, नेक्स्ट जो 7 डेज जो को, तो पे। आपको नेक्स्ट सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर मैंने पढ़ाया ही थे आपको, मैं हाँ इसका अपोजिट करना है नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है। सर, इसी में दो कंडीशन है ना, नेक्स्ट 7 डेज भी होना चाहिए बट वो बिलो लास्ट डेट ऑफ लास्ट द डेट ही करेंट करेंगे। मंथ, जो करेंट चल रहा है उसके लास्ट डेट से कम होना चाहिए हाईलाइट। अब ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है कि मुझे ये इसके भी ऊपर हाईलाइट करनी है आइकन, कौन सी आइकन, ए आइकन, ठीक है। गया। इस आइकन में कंडीशन देना है कि अगर 5% से ऊपर हो तो इस आइकन को शो होना चाहिए, 0 से 5% हो तो इस आइकन को शो करना चाहिए, 0 से -5% हो तो इस आइकन को, और -5% से नीचे हो तो इस आइकन को यूज करना है। आपको आइकन लगा के उसको एडिट करना था। छठा क्वेश्चन था कि ये फॉर्म बनाया हुआ, राइट। आप देख रहे होंगे कि इसमें हम कहीं हर जगह पे कर्सर लेके नहीं जा पा रहे हैं, मतलब कि मैं चाहूँ यहाँ क्लिक करना चाहे यहाँ क्लिक करना नहीं आएगा। आई वॉन्ट टू एंटर ओनली येलो सेल्स, डू द प्रोटेक्शन दो सेलेक्टेड एंड सेल्ड ओनली फॉर येलो सेल, मतलब कि आपको ऐसा ही फॉर्म फॉर्मेट बनाना है। मैं एक एग्जाम्पल के दे दिया था कि ऐसा ही एक आपको फॉर्म बनाना है, इसमें सर ये था कि जो आपका ऊपर का येलो है ना, वो तो नहीं जा इसी में रहा नहीं था, कर तो सकते। इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। आप ऊपर जाएंगे ना, तो आपने जो सप्लायर नेम लिखा हुआ वहां पर नहीं ना आपका कर्सर जा रहा है, सप्लायर नेम के नीचे नहीं आ रहा है फिर येलो में। ये सप्लायर नेम फॉर्मूला के थ्रू होगा इसलिए नहीं आ रहा होगा, अच्छा, फॉर्मूला ठीक है ना। के थ्रू मतलब सर? मतलब कि सिलेक्ट, जो सिलेक्ट हमने, हो सकता है कि प्रोटेक्शन लगाते समय मैं छोड़ दिया होगा सिलेक्शन। वही ना मैं कह रहा हूँ, उसको नहीं करना होगा ना हमें येलो में ना। नहीं आपको यह इस पे कुछ नहीं करना है, आपको एक फॉर्म बनाना है। यानी ऐसे ऐसे एक फॉर्म बनाना है ना, मैं समझ गया, क्योंकि हाँ, वो और ये उस पे कंफ्यूजन हो रही थी आपको कि इसको। जहां हाँ जहां आप टाइप करेंगे, जरूरी है एलओ से, जहां जहां आप टाइप करेंगे वहां कर्सर जाना चाहिए
जिस जगह पे फॉर्मूला लगा है या जिस जगह पे हेडिंग बन रहा है या फालतू जगह है वहां नहीं आया, उस पे कर्सर नहीं जाना चाहिए। ठीक है सर। सातवां क्वेश्चन है कि आपको इस पे फिल्टर अप्लाई करना है, फिल्टर के जरिए डेटा स्ट्रैक करना है। दो ये तो समझा दीजिए कि सर जो ऊपर आपने लिखा है ना ये समझ में नहीं आता मेरे। हाँ मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपका कॉन्टेक्ट ईएमआई वाली जो फील्ड है, दो फील्ड मैंने हाईलाइट कर दी हुई है, कॉन्टेक्ट ईएमआई वाली जो फील्ड है उसमें आर होना चाहिए, और जो कंटेन जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है, अब मुझे पूरा एड्रेस नहीं पता है लेकिन उसके हाउस नंबर्स पता है, तो जिसमें ये हाउस अच्छा नंबर्स है उसको उठाना ओके है। जिसमें ठीक है। 12 है तो मैं इसको ले लूंगा, इसके बाद 465 में खोजूंगा 465 कहाँ पर है, ये है ये दे चाहिए, रहा हूँ 70 वाला चाहिए, 50 वाला चाहिए, 70 चाहिए, 50 चाहिए, एक 14 वाला होगा तो 14 वाला चाहिए, समझे। तो फिल्टर में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके जरिए आपका ले ले, और एक बार में नहीं होगा, वन बाय वन होगा, आपको डेटा स्ट्रैक करना है फिल्टर के थ्रू, एक नई सीट पे कॉपी पेस्ट करना है। वरना एक बार तो नहीं होगा ना, ये अलग अलग करना पड़ेगा ना। हाँ अलग अलग करना है, जी कैसे किया है मुझे एक्सप्लेन करना होगा, जी कितना बार में किया। अब यहां पे आपका अगला क्वेश्चन पिवट टेबल से, ये हो गया। सर इसमें ये 12 महीने का आ रहा था, तो 12 महीने का नहीं क्यूमुलेटिव 12, करके हाँ कितना मुझे है? क्या है कि मेरे पास जो डेटा है वो मंथली है, बट हाँ जहाँ रिपोर्ट देनी है वहां पे ईयरली चाहिए, मतलब कि इन सबों का टोटल चाहिए। मतलब सर ऐसे इसमें करना है ये, ना, सिटी सॉरी बोले नेक्स्ट जी बोले। सिटी मतलब कि फिर हाँ जैन यहाँ पे होना फैब चाहिए मंथ आने सिटी के। और यहाँ पे होना चाहिए 2024। अच्छा हमें जैन फैब नहीं चाहिए सारा, नहीं मतलब नहीं अच्छा उसको से ग्रुप करना पड़ेगा इसको। अब क्या करना है, यू कैन ट्राई, डेटा में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, पिवट में जो करना है कीजिए, अच्छा ठीक है। अगली ओके दो क्वेश्चन जो है ये आपका फ्यूचर क्लासेस से, इससे मुझे आपकी ये पता चलेगा कि एक्चुअली में आपके पास किस तरह की थिंकिंग आप रखते हैं रिपोर्ट एनालिसिस से रिलेटेड। पहला आपका है यहाँ पे कि आपको डेटा को चार्ट के जरिए प्रेजेंट करना है, डेटा क्या है, डेज बाय सेल्स है, और यहाँ पे आपका टोटल है, यहाँ पे उसका गोल, टोटल 758 ज्वाइनिंग हुई है लेकिन मेरा गोल 1000 का है, तो आपको इसको इस डेटा को इस इंफॉर्मेशन को विजुलाइज करना है चार्ट के जरिए। गोल भी आएगा सर इसके। हमने क्या बोला, दिस इंफॉर्मेशन, तो आपको लगता है कि गोल और टोटल इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, यू कैन विजुलाइज, बस बस गया। मुझे इससे आप इसके जो क्वेश्चंस हैं मुझे बस आपकी ये चाहिए, मतलब कि सोचने का तरीका मैं समझना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। और दसवां क्वेश्चन है कि मुझे इसमें से एक, क्योंकि अभी आपने फॉर्मेटिंग क्लास खत्म किया, फॉर्मेटिंग इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, तो मुझे एक ऑटोमेटेड फॉर्मेट क्रिएट कीजिए जो हर सब महीने चाहिए सर, के लिए। हाँ एक चाहिए इसमें कोई एक अगर चारों कर सकते चारों कर लीजिए, ऑटोमेटेड अटेंडेंस तो कर लिया था, लेकिन बाकी भी ऑटोमेटेड डेली सेल्स अटेंडेंस चेक। या डेली सेल्स ट्रैकर हो या पैटिकस ट्रैकर हो या वीकली ट्रांसपोर्ट रोस्टर हो, मुझे हर बार फॉर्मेट ना बनाना पड़े, जस्ट मैं चेंज द डेट और मेरा फॉर्मेट रेडी हो जाए। डेली सेल्स ट्रैकर वगैरह के गूगल में मिल जाता है इसका फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट फॉर्मेट नहीं बनाना है, ऑटोमेटेड फॉर्मेट बनाना है जो हर दिन के नहीं लिए। नहीं ऑटोमेटिक तो बन जाएगा, लेकिन उसको लगाने के बाद में इसको तो फॉर्मेट वहां से मिल जाएगा ना गूगल से। अच्छा आप देख लीजिए, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं ये सारे क्वेश्चन किसी ने किसी इंटरव्यू से पूछा गया है, ठीक है, मेरे दिमाग की उपज नहीं है, तो इसको बनाइए, ठीक है।